दोस्तों हमें पता चला था कि एक घर में सांप है, तो चलिए हम चलते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों तो आइए, हम पहुंच चुके हैं सांप को रेस्क्यू करने। तो दोस्तों इसी घर में सांप था और इनका कहना है कि ये रात के 1 बजे से नहीं सोई है, रात के 1 बजे से सांप घर के अंदर आया था। और माता जी बता रही है कि तान के ऊपर बर्तनों के पीछे सांप बैठा हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों सांप कौन सा है। बिना पता करे हम उसे डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं हम कौन सा सांप है और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें इन बर्तनों को हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सांप कौन सा है। ये एक कोबरा स्नेक है दोस्तों, ये बहुत डेंजरस होता है और बहुत जहरीला होता है। तो आइए दोस्तों हम सब बर्तन हटाकर इसे पकड़ लेते हैं। देख सकते हैं आप कि एक बहुत बड़े साइज़ का एक ब्लैक कोबरा आप देख सकते हो। तो दोस्तों आइए हम पकड़ लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इसने अपनी फन फैला रखी है, आइए आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सांप फन निकल कर बैठा हुआ है और ये बहुत जहरीला होता है, बहुत लोगों को काटने से इसकी मौत हो चुकी है। देखिए दोस्तों सांप को पकड़ना बहुत रिस्की होता है, आप ऐसी रिस्क कभी ना लें। हाँ लो सारी मार जीता ही कोनी आज। छोटी सी जिंदगी है, रात का गाना गा रहा है, वीडियो निकालते निकालते तो बिना देरी किए दोस्तों हम जल्दी से इसको रेस्क्यू कर लेते हैं और जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं इसे। हाँ दोस्तों इसे लोग सांप भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं और नागन भी कहते हैं। ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है, तो आइए दोस्तों हम इसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लेते हैं। देखो दोस्तों वीडियो को देखकर ऐसी गलती कभी ना करें, ये एक एक्सपर्ट का काम होता है। ऐसी गलती करके अपने मौत को चुनौती मत दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है और अभी हम चलते हैं जंगल में, इसे सीधा रिलीज कर देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं जंगल में इस कोबरा स्नेक को रिलीज करने के लिए, इसे आज़ाद कर देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हम इसे आज़ाद करते हैं। और ये चला गया है दोस्तों जंगल में, इस जंगल में इसके जान को कोई भी खतरा नहीं है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।